नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकय हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव मिकुरु तमंद मतिर दयांगबरा। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करि चरण बंदन जाहित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है, हमारे संप्रदाय में तत्वाचार्य श्री जीव गोस्वामी का आज आविर्भाव तिथि है, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कबे जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले घुचाई बेतर कानल चीत जाहे जोले। यहाँ पर कहते हैं कहते हमारे संप्रदाय में महाप्रभु ने एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया, विचार को उन्होंने स्थापन किया है। कहते श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा इन्होंने संबंध ज्ञान को उन्होंने स्थापन किया है, हैं? इसलिए उन्होंने बृहत भागवत अमृत जैसे ग्रंथ लिखे और उन्होंने हरि भक्ति विलास जैसे ग्रंथ लिखे, हैं? और जो हरिनामृत व्याकरण पहले श्री सनातन गोस्वामी ने सूत्र रूप में लिखे थे। कहते रूप गोस्वामी कहते हमारे संप्रदाय में ये रसाचार्य है, ये रस का आचार्य है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हमारे संप्रदाय में कहते हमारे जो प्रयोजन तत्व है जीवन का, हमारी लक्ष्य क्या है, कहते ये प्रयोजन का आचार्य है। कहते हरिदास ठाकुर ये कौन है, कहते श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है। कहते उसी तरह कहते श्री जीव गोस्वामी क्या है, कहते हमारे संप्रदाय के ये तत्वाचार्य है। कहते आप प्रश्न करो कि भैया भक्ति कर रहे हो, भाव से भक्ति करो, ये तत्व को तो जानने का क्या जरूरत है, बोलते नहीं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चिते ना कर आलस जा कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जो तत्व है वो थोड़ा डिफिकल्टी है, समझना, लेकिन कहते भैया उसमें आलस्यता मत करो। बोले क्यों, बोले जब तक तुम सिद्धांत नहीं समझोगे ना फिर तो सहजिया बन जाओगे, अपर संप्रदाय में चले जाओगे, भक्ति क्या चीज पता ही नहीं चला, सब गलती गलती जिंदगी में करोगे। इसलिए बोले तीन तरह के भक्त है, एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त। बोले कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं, बोले कनिष्ठ भक्त उसको कहते हैं भक्ति तो करते हैं लेकिन डामाडोल सा है, कभी हो तो कर लेगा कभी भक्ति का छोड़ देगा। कहते मध्यम भक्त किसको कहते हैं, बोले मध्यम भक्त वे हैं जो अपना भजन साधन को एकदम सही सही परफेक्ट कर ले लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं पाता है। कहते उत्तम भक्त किसको कहते हैं, बोले जो अपना भजन तो कर ही लेता है लेकिन सिद्धांत तत्व विचार को द्वारा दूसरों को भी भक्ति में जो प्रतिष्ठित करते हैं, किसी स्थिति आने पर भी अपना सिद्धांत कभी डगमग नहीं हो, हैं? इसलिए कहते जो अपना भजन भी करे दूसरों को भी सिद्धांत को द्वारा स्थापना कराते। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कहते थे बोले कौन भक्त कितना श्रेष्ठ है, बोले जिसको अपना संप्रदाय का विचार
जो जितने अच्छे तरह से सिद्धांत को समझते हैं उसका भक्ति उतना ही दृढ़ भक्ति है। नहीं तो कोई उल्टा पुल्टा बाबा जी सहज या कोई आए उल्टा पुल्टा लोग कुछ बोल दिया, बोले हाँ ये तो सही है, बस अपना भजन भजन छोड़े दूसरे में घुस गए, कहते उसको पक्के भक्त नहीं कहते। इसलिए हमें जिसका सिद्धांत अच्छा पक्का है फिर उसको क्या होता है, जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, फिर उसका मन नहीं डगमगाता है, उसका जो मन एकदम दृढ़ विश्वास को साथ में प्रभु के चरण में लग जाते, कहते वो उत्तम भक्त है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय का ये तत्व को उन्होंने स्थापन किया, श्री जीव गोस्वामी है, इसलिए तत्वाचार्य है। इसलिए इन्होंने क्या किए, कहते श्री जीव गोस्वामी ने विशेष कर षट संदर्भ लिखे, षट संदर्भ में मतलब छह संदर्भ लिखे, कहते छह संदर्भ किया है। तो उसको गुरुदेव उदाहरण देते हैं, कहते रूप गोस्वामी ने जो रस ग्रंथ को उन्होंने स्थापन किया, हाँ भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि और उन्होंने पद्यावली और स्तवावली, बहुत ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी ने बहुत रस ग्रंथ को स्थापन किया। उदाहरण दिया जैसे बड़े सुंदर को एक सरोवर हो, है सरोवर हो, अगर कभी कभी क्या होता है ना दूसरी जगह से कोई थोड़ी छोटी नाली आकर के मिल जाए तो पानी को गंदा कर देते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी ने किया कि चारों तरफ में एकदम सुदृढ़ उन्होंने एकदम दीवाल उन्हें बनाया, जैसे कोई गंदा पानी आकर के उसमें मिल नहीं जाए, है इसलिए उन्होंने साठ संदर्भ बनाया। कहते साठ संदर्भ मतलब क्या है, कहते जो उदाहरण दिया था जैसे श्रीमद् भागवत है, कहते एक सुंदर महल है राजमहल, लेकिन अभी राजमहल में जो प्रवेश करोगे कोई गेट हो तभी तो प्रवेश कर सकते हो ना, गेट के बगैर कैसे प्रवेश करोगे, इसलिए उन्होंने गेट बनाया। जो छह संदर्भ उन्होंने जो लिखा है, संदर्भ मतलब होता है बड़े सुंदर पटेरी अंदर में बड़े जो रत्न रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहते जब तक इनकी संदर्भ को कोई नहीं पढ़ता है ना, कहते वो भागवत तत्व को सही से ही नहीं समझ सकता है, सही से ही नहीं समझ सकता है। इसलिए कहते हम जितने सारे ग्रंथ पढ़ेंगे सारे ग्रंथ में हमें तीन तत्व मिलेगा, एक संबंध, एक अभिधेय और एक प्रयोजन। इसलिए उन्होंने जो छह संदर्भ छह ग्रंथ लिखे, कहते एक संदर्भ में है उन्होंने तत्व संदर्भ जिसमें है, जिसमें उन्होंने संबंध ज्ञान को उन्होंने जिसमें बड़े सुंदर रूप में संबंध ज्ञान को जिसमें स्थापन किया है, कहते उन्होंने चार संदर्भ में अभिधेय तत्व को उन्होंने है, अभिधेय मतलब होता है कैसे भगवत भक्ति हमें प्राप्त होगा, जैसे सुंदर जी कृष्ण संदर्भ भक्ति संदर्भ बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ बनाए, और एक संदर्भ है जिसको प्रीति संदर्भ कहते हैं, जिसमें हमारी जीवन का लक्ष्य क्या है वो लक्ष्य को उन्होंने इसमें स्थापन किया। उन्होंने छह संदर्भ स्थापन करके हमारे संप्रदाय के लिए दिव्य वस्तु उन्होंने प्रदान किया है। विशेष करके जो जीव गोस्वामी ने विशेष विशेष कुछ ग्रंथ लिखे जिसको कहते गोपाल चंपू, केवल व्यास देव ने है ही जैसे कृष्ण कथा है ना, केवल भागवत जैसे कृष्ण कथा है जैसे विष्णु पुराण और पद्म पुराण अलग अलग शास्त्र में कृष्ण की कथा बताया गया, केवल व्यास देव ने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा कृष्ण कथा को, लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने जो गोपाल चंपू ग्रंथ में इतने सुंदर कृष्ण कृष्ण नई नई कृष्ण कथा उन्होंने बोले, नई नई सुंदर सुंदर उन्होंने कृष्ण कथा को उन्होंने सुंदर रूप में उन्होंने व्याख्या किया है, अद्भुत रूप में कृष्ण कथा को उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे भागवत बोल रहे थे वो कैसे बोल रहे थे, बोले भक्ति जोगेन सम्यक प्रणीत अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णं माया च तत् अपाश्रयम्। उन्होंने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधि तो जब हुए तो उन्होंने क्या देखा, जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं ना ऐसे उनका हृदय में सारे कृष्ण लीला उनका हृदय में एकदम अपने आप सीरियल रूप में आया, जैसे देखे उन्होंने वैसे ही बोलते गए हैं। लेकिन कभी कभी उन्होंने भावावेश में आकर के क्या किया, जो लीला पहले बोलने चाहिए ना उसको बाद में बोल दिया और जिसको बाद में बोलनी चाहिए उसको पहले बोल दिया भावावेश में आकर के। इसलिए कहा कौन सा लीला पहला भगवान की कौन सा लीला बाद में ना, ये जीव गोस्वामी दिखाए, बोले नहीं उन्होंने भावावेश आकर के
ये लीला को पहले बोलना चाहिए था लेकिन उसको बाद में बोल दिया, लेकिन बाद में बोलना चाहिए पहले बोल दिया। अब ये चीज को कौन जान सकता है, सब तो नहीं जान सकते ना, ये चीज तो सब जो प्रभु का लीला में रहते हैं वही जान सकते हैं। इसलिए उनका नाम जीव नाम रखा, उनका नाम ना जीव गोस्वामी। बोले जीव मतलब क्या है, बोले जीव अति इति जीव, बोले जीवों को जो जीवन प्रदान करते हैं, जीव को जो जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए इनका नाम जीव, जीव अति इति जीव, जीव प्रापणे। मतलब ये जीव गोस्वामी क्या किया, जो जीव को भगवत प्राप्ति में जो मदद किया है, इसलिए इनका नाम जीव, जीवस्य जीवनम, जीव गोस्वामी जीव का जीवन है। बोले जीवन क्या उन्होंने प्रदान किया, बोले समस्त ग्रंथों को लिख करके, भगवत तत्व दर्शन को लिख करके उन्होंने जो जीवों को जो सही जो सिद्धांत है, जिन्होंने सही सिद्धांत प्रदान किया। क्योंकि जब तक हम सही चीज को नहीं जानेंगे ना, हम तो गलत काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो भक्ति ऐसे थोड़ी, जो गलत काम करेंगे बोले कि हमारी भक्ति हो गई, ये तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने जीवों को जीवन प्रदान किया। कहते ये कृष्ण लीला में कौन है, कहते कृष्ण लीला में ये विलास मंजरी है, ये विलास मंजरी। कहते विलास मतलब क्या होता है, बोले जो शब्द है लसत है, एक शब्द संस्कृत है, कहते लसत इच्छायाम, कहते ये कौन कृष्ण लीला विलास मंजरी, विलास विशेष पूर्वक जो कृष्ण की लसत मतलब होता है इच्छा, जो विशेष पूर्वक कृष्ण की जो इच्छाओं को जो पूरी करे, भगवान को जो इच्छाओं को पूरी करे। इसलिए महाप्रभु ने एक एक गोस्वामी के द्वारा उन्होंने एक एक सिद्धांत को स्थापन किया। महाप्रभु का क्या इच्छा थी, महाप्रभु की इच्छा थी जगत में ये सिद्धांत जगत में स्थापन हो। इसलिए इन्होंने महाप्रभु की इच्छा जानकर के इन्होंने सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया है। और सजीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय में एक ग्रंथ है जिसका नाम हरिनामृत व्याकरण, कहते उन्होंने ये हरिनामृत व्याकरण ग्रंथों को उन्होंने रचना किया है। क्योंकि कहते हरिनामृत व्याकरण कहाँ से लिया उन्होंने, कहते महाप्रभु से लिया। बोले कैसे लिया, बोले महाप्रभु जो गया में गए, गया से जब पिंड दे करके आ गए, जब फिर टीचर थे महाप्रभु, जब बच्चों को पास में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, बोले सूत्र वृत्ति टीका है सकल हरिनाम, सूत्र वृत्ति टीका में समस्त वस्तु उन्होंने हरिनाम परक उन्होंने व्याख्या किया। बोले हरि का नाम के छोड़कर जगत में कुछ भी नहीं है, हैं? इसलिए उन्होंने शब्द रूप धातु रूप उन्होंने इतना सुंदर उन्होंने महाप्रभु ने व्याख्या किया, जिसको सुन करके महाप्रभु चैलेंज करते हैं, कोई है जगत में मैं जो व्याख्या करता हूँ उसको कोई खंडन कर सकते हैं। वहां पर जो उन्होंने व्याख्या किया उसी चीज को लेकर सनातन गोस्वामी छोटी रूप में किया, और जीव गोस्वामी इसको लेकर के बड़े रूप में हरिनामृत व्याकरण किया। वो इतना सुंदर व्याकरण है, ग्रामर है। कहते आप अगर वो ग्रामर को पढ़ेगा ना, आपको ग्रामर भी पढ़ना हो जाएगा, संस्कृत ज्ञान भी हो जाएगा, उसको साथ साथ में हरि का नाम भी हो जाएगा। इतने सुंदर रूप में उन्होंने ग्रंथों को बनाया, अद्भुत ग्रंथ है, हैं? क्योंकि उन्होंने देखा जो हमारी संप्रदाय में आएंगे उनको तो संप्रदाय रखा करना पड़ेगा, लेकिन जब तक तत्व सिद्धांत को नहीं समझ के संप्रदाय कैसे रखा करें। इसलिए संस्कृत पढ़ना जरूरत है, लेकिन जो भक्ति जगत में आ गया वो तो इधर उधर बात करना उसको अच्छा नहीं लगेगा, भगवान का नाम लेना अच्छा लगेगा, ठाकुर का कीर्तन अच्छा लगेगा। उन्होंने ऐसे व्याकरण बनाए जो व्याकरण पढ़ने का साथ साथ भगवान का नाम भी हो जाएगा, हरि खड़गा हरि बेड़ा हरि गदा, उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने सब नाम रखा, बड़ा सुंदर। उसको पढ़ते जाओगे भगवान का नाम होता जाएगा और व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। इतने अद्भुत रूप में बनाए श्री जीव गोस्वामी। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते विशेष करके इनको ऊपर में ना लोग तीन तरह का कुछ दोष लगाते हैं। बोले पहला दोष क्या लगाते हैं, बोले इन्होंने गुरु जी ने उनका त्याग दे दिया, गुरु जी को सेवा उन्होंने ठीक नहीं कर पाए। उनका गुरु जी श्री रूप गोस्वामी, बोले कैसे, बोले एक समय रूप गोस्वामी जिस समय उन्होंने ग्रंथ लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, बल्लभाचार्य जो ही बहुत बड़े विद्वान थे, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का बहुत बड़े आचार्य थे, इनको साथ में बड़ी मित्रता थी रूप गोस्वामी को साथ में, इनको साथ में सब संतों में। तब उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखते समय उन्होंने आए, बोले क्या लिख रहे हो, बोले भक्ति रसामृत सिंधु, बोले क्या लिखो मंगलाचरण में क्या लिखो, उन्होंने कहा श्लोक उसमें मिला
बोले भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्तते। इसका मतलब है जब तक साधक का हृदय में भुक्ति भोग करना मुक्ति बांचा रहेगी तब तक ये भगवत भक्ति हृदय में कभी प्रकट हो ही नहीं सकती। इसलिए इसको उनने पिशाची शब्द भूत को साथ उदाहरण दिए भुक्ति और मुक्ति को। तो उन्होंने बोले भैया आप इतने सुंदर ग्रंथ लिख रहे हो, जिस ज्ञानी लोग जिसे मुक्ति को पाने के लिए इतने कठोर परिश्रम करते उसको तुमने क्या बता दिया, ये तो पिशाच ही भूत प्रेत को साथ में उदाहरण दे दिया। कहा मंगलाचरण में अच्छी कोई चीज होनी चाहिए, तुम भूत पिशाची भुक्ति और मुक्ति को बता दिया है कितने कष्ट से प्राप्त। बोले जब ये ग्रंथ तुम्हारी कम्प्लीट हो जाएगा मेरे को देना, मैं थोड़ी सी संशोधन कर दूंगा थोड़ी सी। जीव गोस्वामी पास में बैठ करके उनका हवा कर रहे थे। जीव गोस्वामी ने देखा ये हमारे गुरु जी के ग्रंथ को संशोधन करेंगे, कहते गलत किसको होता है, बद्ध जीव को, गलत बद्ध जीव को होता है, भ्रम प्रमाद कर्णापाटक विप्रलिसा, मतलब चार जो दोष है ना ये बद्ध जीव में रहता है, मुक्त जीव में नहीं रहता है। ये कहाँ कृष्ण लीला में रूप मंजरी है महाप्रभु का नित्य सिद्ध परिकर, कहते इनके ग्रंथ में भूल, इनका इतना हिम्मत है। इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरु जी को सेवा कर रहे थे, जब वल्लभाचार्य जी चले गए उन्होंने थोड़ी सी बहाना बनाए, बहाना बनाकर बोले गुरुदेव मैं आता हूँ, पास हो जमुना हो गए तो सीधा पीछे चले गए जा करके। तब उन वल्लभाचार्य जी को पूछे आप हमारे गुरु जी में क्या दोष देखा है, चाहे आपने बोला करेक्शन करने के लिए, बोले ये बात है। तो बोले आपने ठीक से सुने ही नहीं कथा को, बोले क्या, बोले उन्होंने भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाच नहीं बताया, उसको जो इच्छा है वो इच्छा को उन्होंने उन्होंने मुक्ति को सा भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाची इच्छा को दिया, भुक्ति मुक्ति को नहीं दिया। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए कि जैसे ज्ञानी लोग हैं जो भगवान को निराकार भगवान को मानने वाले ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, हम जैसे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं कथा करवा वो भी भागवत कथा करते हैं, वही भगवान का कीर्तन भगवान की सेवा पूजा सब कुछ करते हैं, लेकिन करने पर भी ना उनको फल नहीं मिलेगा। बोले कैसे, उदाहरण दिया जैसे किसी व्यक्ति को अंदर में अगर भूत का सवार हो जाए ना, आप देखना वो व्यक्ति 8-10 आदमी को खाना खा लेगा, लेकिन धीरे धीरे देखो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, कमजोरी धीरे धीरे शरीर कमजोरी हो जाएगा, एक दिन मर जाता है, लेकिन खाता है 5-10 व्यक्ति का, लेकिन कहाँ जाता है, बोले उसका अंदर में जो पिशाच बैठा हुआ ना वो सारे पिशाच खा रहा है, ये वो व्यक्ति नहीं खा रहा है वो भूत खा रहा है। कहते उसी तरह जो जो ज्ञानी लोग जितने भी देखने के लिए क्या करते, ठाकुर को सेवा पूजा अर्चन सब करते हैं, लेकिन कहते उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा, कहते जो भगवान को जो लीलाओं को वो माइक मानते हैं, कहते ये भगवान कौन है, कहते ये भी पहले ब्रह्म था, माया ने जब उसको पकड़ लिया ग्रास कर लिया ना वही ब्रह्म ही अभी कृष्ण राम बन करके आ गई है, जब इनकी मुक्ति हो जाएगा ये भी जाकर को ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगी। इसलिए जो भगवान की चीज कथा सुनते हैं ना प्रभु का लीला, कहते तो माई की तो 2 दिन के लिए आए हैं, कोई ब्रह्म ही अभी निराकार अभी साकार बन करके आया, अभी इनकी राम कृष्ण की जो मुक्ति होगा ना वही ब्रह्म लीन। इसलिए उनको लीला को अनित्य मानते हैं, अनित्य मानने का वजह से जितने भक्ति अंग ऊपर जाजन करते हैं लास्ट में उनका लक्ष्य क्या, पास जब मान अभिष्ट हो जाएगा कुछ समय के लिए उन्होंने पंचोपासना करते हैं, जब तक मन नहीं लग जाए इसको बाद फेंक मार देते हैं, इसलिए उनको लीला को अनित्य मानते हैं। जो प्रभु की लीला को अनित्य मानते हैं कहते भैया उनका भक्ति सबके सब बेकार है। इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने अलग अलग शास्त्र से उन्होंने कोटेशन दिया है, अगर जो व्यक्ति भगवान को निराकार निर्विशेष मान करके उपासना करते हैं वो जितने परिश्रम करने पर भी जिले के अनादृत बड़े कठोर साधन करके बड़े उच्च पद प्राप्त करने पर भी उनका पतन हो जाता है। उन्होंने इतने उदाहरण दिया शास्त्र का श्लोक से, वल्लभाचार्य बोले वाह वाह तो जितना छोटा बच्चा इतने ज्ञान है इसके अंदर में। जब जो चले आए ना फिर वो वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी के पास में आए, बोले आपके पास में जो हवा कर रहा था बच्चा कौन था, बोले मेरे शिष्य था, बोले बड़ा तेज है हाँ बड़ा ज्ञान इसको अंदर में। रूप गोस्वामी समझ गए कुछ जरूर गड़बड़ किया से है गड़बड़ी किया, इसलिए रूप गोस्वामी ने उनको क्या कर दिया, बोले महाप्रभु ने सिखा दिया है जीवे दया, महाप्रभु सिखा दिया
अमानीनांग मान देन कृतन्य सधारी महाप्रभु का शिक्षा सबको जथा योग्य सम्मान दो है, किसको कभी असन्मान मत करो। त्रिनाद भी सुनी चेन तरपि सहिष्णुना महाप्रभु का ये शिक्षा। कोई आया तो तो आचार्य बहुत बड़े आचार्य, साधारण वल्लभ आचार्य साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने सुबोध ने टीका लिखी, मायावाद को उन्होंने ऐसे खंडन किया, 108 सोने के कलशी में जिनकी अभिषेक की गई इनकी, इतने बड़े विद्वान थे हैं, लेकिन होने पर भी महाप्रभु का भक्तों के सामने तो कुछ भी नहीं है, है कुछ भी नहीं। इतने बड़े विद्वान होने पर भी उन्होंने आकर के बोले ये बड़ा विद्वान, वो समझ गए रूप को सब कुछ गड़बड़ किया है, बोले किसी वैष्णव को सम्मान तो नहीं दे पाए, इतना अभिमान, अरे सम्मान चाह रहे थे हम देने में क्या बुराई किया है, हैं। इसलिए बोले जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, उनको निकाल दिया। वो इतने दुखी हो गए जीव गोस्वामी। एक भय गांव है, भय गांव है, हम वहाँ पर गए थे, जहाँ पर नंद बाबा जब स्नान करने के लिए गए, सवेरे नहाने के लिए गए एकादशी करके, जहाँ पर वरुण लोग उनको पकड़ कर ले गया था, उसका नाम भय गांव, भय मतलब डर है, हैं। वहाँ पर जहाँ पर मगरमच्छ जमुना किनारा में क्या करते थे मगरमच्छ, अब देखना रेती में गड्ढे करके उसमें सोते थे, उसी गड्ढे में ये सोते थे और वहीं पर बैठ करके भजन करते थे, दिन रात रोते थे। कोई कोई कहते हैं वहीं पर रहते समय उन्होंने ये 60 संदर्भ को ग्रंथों को उन्होंने वहीं बैठ बैठ कर लिखा। और सनातन गोस्वामी बहुत ब्रज में पूरा प्रसिद्ध बाबा थे, बड़े बाबा सब बोलते थे, हैं बड़े बाबा नाम से, बोले इनसे कोई बड़े बाबा नहीं है। लेकिन जब वो कभी उसी गाँव में गए, बोले बाबा हमारे गाँव में ना और बहुत एक बड़े बाबा आया है, आप तो चून मांग करके लेते हो, रोटी बना कर खाते हो, टिक्की हमारे बाबा गांव में तो ऐसे बाबा आए, वो तो दिन भर रोते रहते हैं ठाकुर का नाम लेकर के, राख को घोल करके पी लेते हैं। सनातन गोस्वामी बोले ऐसे कौन से व्यक्ति राख खोल करके पी सकता है, मर जाएगा। बोले ऐसे कौन सा बाबा राख को घोल करके पीते हैं, रोते हैं। बोले चलो जब ले गए ना जीव गोस्वामी, है जीव गोस्वामी को देखा, जब जीव गोस्वामी को देख करके उसका अवस्था बहुत खराब था, एकदम शरीर रुग्ण हो गया था, गुरु जी का विरह में रो रहे थे, दिन भर ग्रंथ लिख रहे थे, इतने में उन्होंने लेकर के आए, ला करके उन्होंने रूप गोस्वामी के पास में आए। बोले रूप ये बताओ महाप्रभु जगत में क्या शिक्षा दिया है। बोले महाप्रभु का शिक्षा है जीवे दया कृष्ण नाम वैष्णव सेवन, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, कृष्ण नाम करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। बोले जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, जीव क्या जीव नहीं है, कहते ये जीव क्या जीव नहीं, तुमने त्याग कैसे कर दिया है। इसलिए जब रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत ग्रंथ उनको कम्प्लीट हो गया, वो सोच रहे थे क्योंकि उसको संस्कृत में जीव गोस्वामी बड़े धुरंधर विद्वान थे, बोले अगर ये जीव गोस्वामी होता तो ये ग्रंथ को करेक्शन करता, लेकिन जीव तो कहीं चला गया, करेक्शन कर पहले वो सोच रहे थे, बोले शिष्यों को याद कर रहे थे अगर होता तो करता। फिर उन्होंने फिर उनको अपना शरण में लिया, फिर जीव गोस्वामी माफी मांगे, मेरे अपराध को माफ कर दो, फिर उन्होंने को ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर आप बोलोगे जीव गोस्वामी ने गलत किया है, क्योंकि उन्होंने वल्लभाचार्य को उन्होंने जो तर्क वितर्क में उनको जो उनको वाक्य खंडन किया गलत किया, बोले गलत नहीं किया है, है? क्यों गलत नहीं किया, शास्त्र ने बताया अगर हमारे सामने हमारे गुरु जी को अगर कोई अपमान करते हैं, गुरु जी को है किसी विषय पर तर्क वितर्क में हराता है, कहते शिष्यों को अगर समर्थ हो तो क्या करनी चाहिए, उनको शास्त्र युक्त तर्क के द्वारा उनको खंडन करनी चाहिए, सहन नहीं करनी चाहिए, हैं। इसलिए नहीं तो वो अपराध है एक तरह का। इसलिए उन्होंने आप बोलोगे फिर रूप गोस्वामी ने गलत किया, उनको त्याग देते, बोले रूप गोस्वामी गलत नहीं किया, बोले क्यों, उनने शिक्षा दिया है वैष्णव का क्या धर्म है, नियम है दूसरों को यथा योग्य सम्मान देनी चाहिए। इसलिए दोनों दोनों किसी ने गलती नहीं, लेकिन हमारी शिक्षा के लिए उन्होंने सब लीलाओं को उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने किया है। इसलिए कहते इनको ऊपर ये एक दोषारोप किसको पर करते, श्री जीव गोस्वामी को पर करते, गुरु जी उनको त्याग दे दिया था, बोले कोई दोष नहीं, दोनों ही नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, इसलिए उनको कोई दोषारोप नहीं। इसलिए और दो तीन इनको ऊपर में कुछ ये लगाते हैं, लांछना लगाते हैं, लेकिन ये सब के सब सही है, तो जो किए हैं कभी गलत काम उन्होंने नहीं किए हैं। और विशेष करके इनका तीन विशेष इनको शिक्षा शिष्य हुए हैं, कहते नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास हुए,
जिन्होंने ये तीनों को, यद्यपि इनका कोई भी दीक्षा शिष्य नहीं थे, किसी का शिक्षा शिष्य थे, और इनको उनको ट्रेंड किया, ट्रेंड करके ना तीनों को तीन तरफ में भेजा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर को कहाँ पर भेजा, नरोत्तम दास मणिपुर में भेजा। उन्होंने पूरा मणिपुर को, उन्होंने पहले तो राजा को उन्होंने जाकर पकड़ी, राजा को साधु बना दिए। ये राजा अगर बन गया तो पूरा प्रजा बन जाएगी। अभी भी वहाँ का प्रभाव, लोगों को देखो तिलक लगाए हुए, गले में कंठी, लाल कपड़ा, स्त्रियाँ भी पहनते, सफ़ेद साधु ड्रेस पहनते, अभी भी घर घर में। और उन्होंने क्या मंदिर स्थापन किया महाप्रभु की, 108 मृदंग एक साथ में बजती हैं जब महाप्रभु का आरती हुई, तीनों उन्होंने की। श्यामानंद प्रभु को उन्होंने भेजा दिया, श्यामानंद प्रभु को उन्होंने भेज दिया हमारे उड़ीसा में। उड़ीसा में जा करके उन्होंने पूरा हमारे उड़ीसा में जो भक्ति है, कहते हैं श्यामानंद प्रभु का प्रभाव है। अभी भी उनका सब अलग अलग जगह पर मंदिर है। महाप्रभु का धर्म को, शुद्ध धर्म उन्होंने प्रचार हमारे उड़ीसा में किया। और श्रीनिवास आचार्य जी को बंगाल में भेजा उन्होंने, तीनों शिष्य ऐसे उन्होंने बनाए। सारा दुनिया में भक्त महाप्रभु की शुद्ध भक्ति प्रचार प्रसार उन्होंने सारा उन्होंने दुनिया में उन्होंने की। ऐसे उन्होंने तीनों शिक्षा शिष्य नहीं किए, लेकिन उन्होंने ऐसे उन्होंने तीन शिक्षा बनाए। इसलिए सुनाई पड़ता है एक बार तो वल्लभाचार्य, और एक समय सुनाई पड़ता है और एक विद्वान पंडित था जो रूप गोस्वामी के पास में आकर के उन्होंने सर्वत्र जाकर के विजय कर रहा था। उन्होंने देखा सर्वत्र हमने तो विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन केवल मैंने सुना है एक रूप गोस्वामी बहुत बड़ा विद्वान वृंदावन में रहते हैं। फिर उन्होंने उनको पास में आए, बोले मेरे शास्त्र में शास्त्रार्थ करो, नहीं तो लिख दो, मैंने परास्त होगी। वैष्णव धर्म है, कोई बात नहीं, उन्होंने लिख दिया, लिख करके हम परास्त हो गए। जीव गोस्वामी वहीं पर थे, बोले किया हमारे गुरुजी शास्त्रार्थ नहीं किया, बिना कारण के जीत गए, बस उन्होंने तो गए, उन्होंने गए अवगत जाकर उनको फिर शास्त्रार्थ से उनको फिर परास्त किया। कहते ये एक सुनाई पड़ता है, और एक सुनाई पड़ता है जब वो विद्वान आया, उन्होंने पता चला एक वृंदावन में बहुत बहुत बड़े के विद्वान। बोले कौन, बोले श्री जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान है, अगर उनको साथ में शास्त्रार्थ में अगर परास्त कर दे, सारा दुनिया हमारे हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी। कहते उसी समय में क्या हुआ, जीव गोस्वामी यमुना में स्नान कर रहे थे, जब स्नान कर रहे तो विद्वान जब आया हाथी के ऊपर बैठ करके गाजी बाजा को साथ में, हजार शिष्य श्लोकनाथ जय गान उनका जय गान दे रहे थे, क्योंकि जिसको उन्होंने जय किया वही उनका शिष्य बन जाते थे। एकदम दल बल के साथ में आए, जीव गोस्वामी नहा रहे थे, जब नहा रहे थे इतने में जीव गोस्वामी जब उठे, इतने में उनको साथ में वो विद्वान सोच रहा था बात बात में ना उनको मैं परास्त कर दूं हैं। इतने में जब जीव गोस्वामी स्नान करके उठे, उठते ही वो विद्वान ने पूछा तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम संध्या वंदन आदि नहीं किया है, हैं नियम है ब्राह्मणों को संध्या वंदना करनी चाहिए, तुमने संध्या वंदना नहीं किया। वहां पर दो श्लोक बहुत अच्छी श्लोक है पर याद नहीं आ रहे, उसमें बताए। तब जीव गोस्वामी कहते देखो जब हृदय में भगवत भक्ति रूपी सूरज उदय होता है, उसमें दो चीज होता है भक्ति रूपी, पहले क्या है, पहले एक है कहते जो अज्ञान रूपी जो अज्ञान दूर हो जाता है, अज्ञान रूपी जो बेटी मर जाती है, और भगवत भक्ति रूपी बेटी हृदय में प्रकट होती है। अज्ञान रूपी कन्या मरती है और ज्ञान रूपी बेटी प्रकट होता है जब हृदय में भगवत भक्ति उदय हो जाए। इसलिए कहते भगवत भक्ति से कहते देखना जब कोई संतान जन्म होता है मरता है ना, हम क्या करते उस समय सेवा पूजा नहीं करते, बल्कि हर समय तो हमारे हृदय में भगवत भक्ति रूपी पुत्र उदय हो रहा है और अज्ञान रूपी बेटी मर रहे हैं, ये तो हर समय अपवित्र लगा हुआ रहता है। फिर हम संध्या वंदना कैसे करें, हैं हम संध्या वंदना कैसे करें। उन्होंने ये एक श्लोक को बताए, और ये कोई श्लोक है मेरे अभी याद नहीं आ रहे। उन्होंने ऐसे जीव गोस्वामी ने ऐसे उन्होंने उत्तर दिया है ना, बात बात में ऐसे उत्तर दिया, वो पंडित आखे पकड़ चके रहे, बोले क्या विद्वान है, हम सोच रहा था बात बात में परास्त कर देंगे, ये तो मेरे सारे बात उसने खंडन कर दिया। फिर तो उन्होंने उनको जय पत्र दे दिया, भैया इनको साथ में हम जीत नहीं सकते, इसलिए इनको उन्होंने इसलिए श्री जीव गोस्वामी अद्भुत विद्वान है हमारे संप्रदाय का। ये कौन है, संप्रदाय का तत्वाचार्य है, ये हम लोगों को तत्व शिक्षा उन्होंने प्रदान किया। तत्व जब तक दृढ़ में हृदय में दृढ़ नहीं होगा, हम भगवत भक्ति में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बोले श्री जीव गोस्वामी की जय। तब कुछ कहते बोलो।
बोल दो फटाफट। जरा स्कूल वापस इधर बैठ।